और उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है आज वो है माय डियर एक ओसीडी। ओसीडी एक मानसिक बीमारी है, इसको मैं बीमारी नहीं कहूँगा, ये एक डिसऑर्डर है। ओसीडी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर आप इस शब्द से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में है। एक होता है ऑर्डर, बैलेंस, कि किसी चीज़ का बैलेंस है, और वो ऑर्डर और डिसऑर्डर किस चीज़ का, हमारे माइंड का, बैलेंस टू इनबैलेंस, बैलेंस टू इनबैलेंस, कि हमारा माइंड कैसी स्टेज में चला गया है, इनबैलेंस की स्टेज में चला गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसऑर्डर। उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है साफ़ सफाई का लेके, गंदगी को लेकर के, कि लोग कुछ भी, अभी ये चीज़ मेरा हाथ लगा ना इसके ऊपर, ये अपने आप में साफ़ है, साफ़ है, मुझे हाथ धोने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये साफ़ है। लेकिन जिनको ओसीडी होती है, जिनको साफ़ सफाई वाली ओसीडी होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गंदी है, और वो जब वो हाथ धोते हैं अपना, कई तो अपना पूरा घर साफ़ कर देते हैं अपना, जब कोई उनके घर गेस्ट आता है तो वो जब चप्पल लेके आता है तब तक, तो जब तक वो अपने घर में रहते हैं वो, तब तक उनके साथ एंग्जाइटी रहती है और अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको बुरा ना लगे, कुछ भी ना, किसी वजह से लॉजिक बना करके माइंड में रख के वो अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन जैसे वो चले जाते हैं उस हर चीज़ को, जहाँ पे वो बैठे, जहाँ पे वो खड़े, जहाँ पे बात, हर चीज़ को वो धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं, या कोई तो अपने फ़ोन को धो देते हैं, अपने पूरे ही फ़ोन को साफ़ कर देंगे, अपने घर को साफ़ कर देंगे, अपने जो बाथरूम के जो हैंडल होते हैं वो उनको धो के फिर वो बाथरूम में एंट्री करेंगे कि ये गंदा हो गया। और जो हाथ धोने की उनकी प्रक्रिया रहेगी वो एक एक घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा, और नॉर्मल एक मिनट में, आधे मिनट में हम हाथ धो लेते हैं। लेकिन उनकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि 15-20 मिनट, एक घंटे तक वो टाइमिंग उनकी रहती है। और हाथ धोने की जो कितनी बार धोते हैं वो अनलिमिटेड, 50, 100 बार, 50 बार, 150 बार, 200 बार, ये भी उनकी रहती है। दूसरी सफाई से, कि हर चीज़ को मैंने बोल दिया कि उनको गंदगी का एक कंटेमिनेशन, एक मन में जो वहम रहता है कि हर चीज़ गंदी है और मुझे कुछ हो जाएगा, जहाँ पे वो बाहर नहीं जा पाते हैं, किसी से मिल नहीं पाते हैं, अगर उसने बस के किसी हैंडल को टच किया और वो घर में आके तभी वो कुछ खाएंगे, पिएंगे, अपना और काम करेंगे, जब तक अपने आप को वो क्लीन नहीं कर लेते। और इससे स्टूडेंट्स की लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरह की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, अपने बच्चों की, मैं एक दो केस भी आपके साथ शेयर करके जाऊँगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स जो रहते हैं। फिर चेकिंग वाली ओसीडी, चेकिंग वाली ओसीडी की जैसे कोई हमारी चीज़ तो नहीं रहेगी, बार बार हम चेक करेंगे, एक बार में देखो डियर कि एक बार में कोई चीज़ चेक की हमने, जैसे मान के चलो कि मैं घर से पर्स लेके आना था, ज़रूरी था, फ़ोन मेरा या मेरी कोई पेन, कॉपी, पेंसिल, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने इनको बोला कि हमने सब कुछ ले लिया, ओके है, ये कहते ओके है, फिर हम मान के चलो कि 5 किलोमीटर आगे आ जाएँ, फिर वापस जाएँ यार हम कुछ रह तो नहीं गया, या मैं बार बार 50 बार चेक करूँ, वो होती है चेकिंग वाली ओसीडी। हर चीज़ को मैं चेक करूँ, अपने घर के लॉक को चेक करूँ कि क्या मैंने लॉक कर लिया अपना घर, अगर मान लो लॉक कर लिया तो उसको इतनी बार चेक करें कि मैंने, उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही। ये मेंटल डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, मानसिक लेवल का, ठीक है। ऐसा भी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं। चेकिंग वाली के बाद थॉट्स लेवल की ओसीडी होती है, गंदे गंदे विचार आना, किसी के प्रति विचार आना, मेरी फैमिली को ना कुछ हो जाए, मेरा मुझे ना कुछ हो जाए। और उसमें जो मेजर एक ओसीडी होती है वो होती है रिलीजियस ओसीडी, उस पर मैं नाम नहीं आपको बता रहा, जिसमें सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिलीजियस ओसीडी भगवान से संबंधित ओसीडी, भगवान से संबंधित ओसीडी मीन्स कि किसी को भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं, उनको लगता है कि मैंने उनके साथ ऐसा कर दिया, फिर उनको ऐसा लगता है कि मैंने कसम ले ली, अगर मैं कसम ले ली तो मुझे अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैंने भगवान को माथा नहीं टेका तो मेरा बुरा हो जाएगा, अगर मैंने वहाँ पे रुपीज़ नहीं चढ़ाए तो मेरा क्या, गलत थ्योरीज जो बनी हुई हैं, बिलीफ सिस्टम जो बने हुए हमारे, वो ये काम करवाते हैं। ये वहम से दूर की परे की बात है कि उनसे ऊपर कैसे उठें, और उनका कारण सिर्फ यही है जो मैंने पहले सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, कि जिस चीज़ के साथ हम बिलीव जोड़ लेते हैं, जिस चीज़ के साथ हम अपनी धारणाएँ जोड़ लेते हैं, वो पक्की हो जाती हैं। अब हमारी धारणाएँ गॉड के साथ जुड़ गई है कि वो एक ऐसा भगवान है, वहाँ पे वो लिखा जोखा कर रहा है, और हमारा जब हम मरेंगे
और हमें वो पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा। मान के चलो जो बंदा यहीं पे अपनी अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहा है और अभी वो प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी है, तो उसके लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग आप क्या समझते हो, स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? स्वर्ग मीन्स कि जो हैप्पी है, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है वो कर रहा है, जिसके पास जो फैसिलिटी है वो हैं, वो स्वर्ग है उसके लिए। कोई ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि ये पार्क ग्रीन है और इसमें घास सूखी है, हम सूखी पे बैठे हैं और ग्रीन में जाने के लिए आपको ना ये करना पड़ेगा, ऐसा है? एग्री मैम, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो हेल्थ एंग्जाइटी क्या होती है कि बीमारी होने का डर। वो बार बार अपने टेस्ट करवाते रहते हैं, कई लोग जो इस स्टेज के जो लोग होते हैं, बार बार स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है कि वो अपना पेपर ही चेक करते रहते हैं कि रोल नंबर मैंने लिख लिया। वो कम से कम पहला घंटा अपने रोल नंबर चेक करने में निकाल देते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स और आते हैं, और उसके बाद ब्लॉक बॉडी डिसऑर्डर। बॉडी डिसऑर्डर में क्या रहता है कि मेरा फेस टेढ़ा मेढ़ा क्या है, क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं कैसा हूँ, तो ये बॉडी डिसऑर्डर में आता है। तो इसमें माय डियर अपनी लाइफ में अब इसके थोड़े से प्रभाव जान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव है। देखो पानी कितना वेस्ट होता है। कुछ केस ऐसे हैं, वो एक लेडीज थी, वो कहती कि सर मेरे ना घर में 7 लीटर की टंकी जो ऊपर लगी हुई है और वो सिर्फ मेरे लिए है, और वो भी सिर्फ कितने टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। बिलीव करोगे इस बात का, 700 लीटर की टंकी और वो सिर्फ कितने के लिए, 1-2 घंटे के लिए। मेरे घर में तो मुझे लगता है कि 10 दिन चल जाए 700 लीटर पानी। मुझे लगता है ऐसा कि चल सकता है, चले ना वो चले, लेकिन उसके घर में कितना चलता है, तो क्योंकि वो नहाती है, वॉश करती है, हर जगह धोती है। फिर इसमें डिवोर्स केसेस में जैसे जो फैमिलियर हैं जिनका मैरिज हो चुकी है, उनके फिर रिश्तों में कितनी प्रॉब्लम आती है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि उसकी प्रॉब्लम है, जानबूझकर कर रही है। जब वो प्रॉब्लम समझ आते हैं फिर उनका सलूशन। अभी एक कैनेडा से मेरे पास केस था, ऑनलाइन जब हमारी काउंसलिंग सेशन होते हैं वो हमारे फ़ोन पे होते हैं, और इसको थेरेपिस्ट के साथ क्लियर किया जा सकता है। ये एक वहम है, बीमारियाँ नहीं है ये, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। सिर्फ ये मेंटल की वो स्टेज है, बैलेंस टू इनबैलेंस वाली, सिर्फ आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो कनाडा से जो केस था, वो 14 घंटे लगातार बॉडी लेडीज़ दो बाथरूम में नहा रही है, और उसको इतना लग रहा है माइंड में सिर्फ यही डाउट है कि मैं गंदी हूँ। और उसका 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं, उसको कभी टच नहीं किया, उसको कभी हग नहीं किया, किस नहीं किया, वो ऐसे ही रह रहे हैं। और कभी ना कभी फिर वो भी तो प्रॉब्लम में आएंगे ना, क्योंकि उनको जो माँ का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला।